नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकल न्यूज पर। हाल ही में आए भूकंप ने तुर्की और सीरिया में तबाही मचा दी। इस भूकंप में हजारों लोग मारे गए। हर साल किसी न किसी देश में भूकंप आते ही रहते हैं। भारत और नेपाल भी भूकंप की तबाही को झेल चुके हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक भूकंप जापान में आते हैं, लेकिन जापानी लोग इसके आदि हो चुके हैं और वो भूकंप को ध्यान में रखकर इमारतें बनाते हैं। आइए हम जानते हैं आखिर ये भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप आने पर कैसे बचाव करना चाहिए, क्या भूकंप आने के बाद फायदे भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूकंप क्यों आते हैं। आपको बता दें, हमारी पृथ्वी 4 प्रत क्रस्ट, मेंटल, आउटर और इनर कोर से मिलकर बनी है। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है और इसके बाद में मेंटल होता है। ये दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाती हैं, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर होती है। लिथोस्फीयर अलग अलग प्लेट से मिलकर बनी है, टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है इसे। कुल टेक्टोनिक प्लेट 7 हैं। नीचे तरल लावा होता है, ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। इन्हीं प्लेट के टकराने, रगड़ने या ऊपर चढ़ जाने से भूकंप आते हैं। इनके आपस में टकराने से कोने मुड़ने लगती हैं। इसके आपस में टकराने से एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है, जिसे भूगर्भीय ऊर्जा भी कहा जाता है। इस स्थान पर भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, इसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। यहाँ से सबसे अधिक कंपन होता है, सबसे अधिक नुकसान होते हैं। धीरे धीरे ये कंपन कम होने लगता है। ये तो प्राकृतिक कारण था। अब बता दें कि भूकंप मानवीय कारणों से भी आते हैं। हमारा लगातार विकसित होते जा रहा है, नए बिल्डिंग, फैक्ट्रियां बन रही हैं, लगातार पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पहाड़ों की कटाई, सुरंग बनाने, बड़े बड़े इमारतों से प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाता है और भूकंप आते हैं। भूकंप की आखिर तीव्रता कैसे मापी जाती है? अक्सर न्यूज चैनल में देखा या अखबार में पढ़ा होगा कि इस स्थान पर 6 या 8 से की तीव्रता का भूकंप आया। जिस तरह बुखार को थर्मामीटर से मापा जाता है, उसी तरह भूकंप की जांच रिएक्टर स्केल से की जाती है। रिएक्टर स्केल भूकंप मापने का पैमाना है, जिसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। भूकंप को इसके सेंटर से मापा जाता है, जिसे एपिसेंटर कहते हैं। इसे 1 से 9 तक मापा जाता है। अगर रिएक्टर 7 या से अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो 40 किलोमीटर तक काफी तेज झटका होता है। आइए जानते हैं कितनी तीव्रता पर कितने झटके महसूस होते हैं। 0 से 1.9 तीव्रता के बीच इस भूकंप को सिर्फ सिस्मोग्राफर के द्वारा ही देखा जा सकता है। 2 से 2.9 के बीच 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल के भूकंप पर हल्का कंपन महसूस होता है। 3 से 3.9 के बीच इसमें ऐसा लगता है जैसे पास कोई ट्रेन या ट्रक गुजरा हो। 4 से 4.9 के बीच इस तीव्रता भूकंप में दीवार पर टंगी घड़ी, फ्रेम आदि हिलने लगते हैं। 5 से 5.9 के बीच इसमें फर्नीचर वगैरह हिलने लगते हैं। 6 से 6.9 के बीच अगर देखें तो इसमें घर और बिल्डिंग में दरार आने लगती है, जबकि 7 से 7.9 के बीच इसमें घर और बिल्डिंग गिरने लगती हैं। 8 से 8.9 के बीच में समुद्र बगल में होने पर सुनामी का खतरा रहता है, बड़ी बड़ी इमारतें, पुल के गिरने की संभावना रहती है। अगर 9 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप की बात करें तो इस भूकंप में काफी तबाही मच जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे मैदान जमीन हवा में सब तैर रहे हों। भूकंप से आखिर कैसे बचाव किया जा सकता है? भूकंप आएगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन इससे बचाव जरूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं भूकंप से बचाव के बारे में। भूकंप से बचने के लिए हमें घर बनाने से पहले जमीन की जांच करवानी चाहिए। घर या इमारत को भूकंप रोधी बनानी चाहिए। यदि भूकंप आ जाए तो घर में है तो टेबल या किसी मजबूत वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए। यदि समय हो तो कोने में खड़े हो जाएं, क्योंकि ये बचाव की थोड़ी अधिक संभावना होती है। भूकंप के दौरान किसी घर में इलेक्ट्रॉनिक सामानों से दूर रहें। यदि घर से बाहर आएं तो किसी खुले मैदान में चले जाएं, पेड़ या बिजली तार के आसपास ना रहें। अब आपको बताते हैं भूकंप आने के क्या फायदे हो सकते हैं। अब तक हमने जाना कि भूकंप क्यों आता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि भूकंप के फायदे क्या होते हैं। वैसे तो भूकंप आने से जान माल की खूब हानि होती है, लेकिन भूकंप के आने से कुछ लाभ भी होते हैं। जैसे कि भूकंप के आने से कई बार उपजाऊ मिट्टी उभर कर सामने आती है,
झील, पर्वत, पठार का भी निर्माण होता है। इसमें वैज्ञानिकों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। कई बेशकीमती खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। तुर्की और सीरिया के भूकंप के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में ऐसे भूकंप देखने को मिल सकते हैं। हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। दरअसल नीदरलैंड के रिसर्चर फ्रैंक हगरीबर्ट्स ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और हिंद महासागर के क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना है। आपको बता दें कि फ्रैंक ने तुर्की में भूकंप आने की 3 दिन पहले इसकी आशंका जताई थी। अब जानते हैं कि भारत में किस जगह भूकंप आने की कितनी संभावना है। भूकंप आने की संभावना को लेकर सभी राज्यों को 5 जून में बांटा गया है। जून 1 में भूकंप की सबसे कम संभावना रहती है और जून 5 में सबसे अधिक। जून 1 में इस जोन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा आते हैं। यहाँ भूकंप की कम संभावना होती है, जबकि जोन 2 में इस जोन में तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, बंगाल तथा हरियाणा शामिल है। यहाँ भूकंप आने की संभावना रहती है। जोन 3 में अगर बात करें तो इस जोन में बिहार, पंजाब, केरल, पूर्वी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। जोन 4 की बात करें तो इस जोन में मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तरांचल, बिहार, नेपाल सीमा शामिल है। ये भूकंप का खतरा रहता है। जोन 5 में अगर बात करें तो ये सबसे खतरनाक जोन है। इसमें गुजरात का कच्छ इलाका, उत्तरांचल का कुछ हिस्सा और पूर्वी राज्य शामिल हैं।